Next question. Question says a particle moving along a circular path, the angular velocity, the particle is is moving along a circular path. The angular velocity, linear velocity, and angular acceleration and centripetal acceleration of the particle at any instant respectively are omega, v, alpha, ac. Alright. So आपका angular velocity omega है, linear velocity आपकी v है, angular acceleration alpha है और ac आपका centripetal acceleration है. सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज और आर करेक्ट. तो ये अपने को चार, एक, दो, तीन, चार, ये जो दिए हुए रिलेशन इनमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं. नाउ एक आपका मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है और ये आपका पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ ये दिया हुआ है. ऑलराइट. सो इस केस में अगर हम ये चीज़ें ड्रॉ करेंगे तो एसी तो आपका हमेशा सेंटर की तरफ होता है. ऑलराइट. ये आपकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और आपके अल्फा और ओमेगा जो हैं वो आपके ऐसे ये आपके एक्सियल वेक्टर हैं. ठीक है. सो इस केस में अगर आप इसको लेट से वाई और एक्स कहें तो आपका ओमेगा और अल्फा, इस केस में अगर हम ये मोशन इसका काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपका ओमेगा और अल्फा प्लस के डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. सो आपका ओमेगा और अल्फा बीइंग एक्सियल वेक्टर ये इनके डायरेक्शन आपकी के कैप या प्लस जेड डायरेक्शन होगा. नाउ पहला वो है कि ओमेगा एंड वी दे आर परपेंडिकुलर. तो आपका वी इधर है, ओमेगा आपका ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है इस जेड डायरेक्शन में. सो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है. दूसरा है ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. नाउ ये गलत है बिकॉज ओमेगा और अल्फा जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर नहीं. सो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है. सी कहता है वी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. तो वी हमेशा आपका इस डायरेक्शन में वाई और जैसे इस लोकेशन पे ये हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंटेड होएगा. वी आपका हमेशा इस पॉइंट पे पहुंचा है तो वी आपका हमेशा टेंजेंशियल होएगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन फिर आपका इस जगह पे जब पहुंचेंगे तो सेंटर की तरफ होएगा. तो ये भी आपका सी भी सही है, वी हमेशा ए सी के परपेंडिकुलर होएगा. चौथा है ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू ए सी. नाउ ए सी किसी भी लोकेशन में देखेंगे तो आपका सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओमेगा जो है वो आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा के कैप की तरफ या जेड डायरेक्शन में. तो ये भी सही हो गया. नाउ ऑप्शन देख लेते हैं जहाँ पे ए सी और डी सही हो, ए बी डी बी सी डी ए बी सी ऑल राइट. तो ए सी और डी ऑप्शन फोर वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया.